हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम देख रहे हैं पेडागोजी का पार्ट 18। पार्ट 1 से पार्ट 17 तक का पेडागोजी का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। सी टेट KVS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखना। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्य अवस्था को। पूर्व बाल्य अवस्था का एज ग्रुप जो है वो 6 से 12 वर्ष तक के एज ग्रुप को कहा गया है, जिसमें बच्चे खिलौनों से खेलना आरंभ कर देते हैं और एक अपना ही वातावरण, अपना ही एक समाज बना लेते हैं। तो खिलौने की आयु कहा गया है पूर्व बाल्य अवस्था को। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? प्रश्न है, विशेषता नहीं है। इन चारों में से कौन सी विशेषता बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो वो है प्रश्न करने की अवस्था, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी समूह में रहने की अवस्था विशेषता है, अनुकरण करने की अवस्था विशेषता है, खेलने की अवस्था विशेषता है। तो हमारा आंसर ये होगा, क्योंकि हमें पूछा गया है, विशेषता नहीं है। उत्तर, बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो द्रव्यमान भी है, संख्या भी है और क्षेत्र भी है, तीनों चीज़ों को समझने लगते हैं। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ इन चारों में से क्या है? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला ही विकास है। परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला ये नहीं है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला नहीं है, परिपक्वता व अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की संख्या ये भी नहीं है। सही आंसर है अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये हमको याद रखना है। ये थोड़ा कठिन है, सभी आंसर सही लगते हैं, पर सही आंसर है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया है, जो अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले उत्तरोत्तर परिवर्तनों का परिणाम है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रश्न है, सत्य नहीं है, इन चारों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास उकसाने अथवा बढ़ावा देने से नहीं होता, ये सत्य नहीं है। उकसाने और बढ़ावा देने से विकास होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों में प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो हमें क्या बताना है? जो सत्य नहीं है, ये वाला बी सेकेंड सत्य नहीं है। उकसाने और बढ़ावा देने से विकास होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्य अवस्था के उपयुक्त नहीं है? प्रश्न है, उत्तर बाल्य अवस्था के उपयुक्त नहीं है, इन चारों में से कौन सा उत्तर बाल्य अवस्था के उपयुक्त नहीं है? तो वह है ऑप्शन बी, पुरुष उचित या स्त्री उचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये बाल्य अवस्था के उपयुक्त नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता एवं सीखना, ये उपयुक्त है। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी उपयुक्त है। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, ये भी उपयुक्त है। लेकिन ऑप्शन बी उपयुक्त नहीं है बाल्यावस्था के संदर्भ में, ये किशोर अवस्था के संदर्भ में सत्य होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। सामान्य पक्व से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः, प्रश्न आगे पढ़ना है,
सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः लाभकारी है या हानिकारक है, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना किस पे निर्भर करता है? तो सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। तो इन चारों में से सही ऑप्शन को चुनना है। ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये सटीक आंसर है इसका। पांच वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़क की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है और बार बार घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली पुनः कड़कती है। राजू बिजली की आवाज़ें सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का को दर्शाता है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल, इनमें से कोई नहीं। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन को दर्शाता है। इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन का यह सिद्धांत रूसी मनोवैज्ञानिक पावलाव द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार इसमें अनुक्रिया स्वाईक रूप से होती है, साथ ही साथ अनुक्रिया करने से पूर्व ही प्रबलन किया जाता है। बादल बार बार गरजता है, रुक जाता है, पुनः गरजता है, इस तरह उसमें एक बलन आता है बच्चे के व्यवहार पे और वो अपने आप उछलने लगता है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ये सीटेट, KVS और सभी तरह के टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। थैंक यू वेरी मच।